भाई पहले तो सभी को राम राम मेरी तरफ से। मैं एक स्पष्टीकरण देने के लिए मैं और मेरे साथी जो कल मुख्यमंत्री निवास पे गए थे उसके बारे में एक स्पष्टीकरण देने के लिए हम आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुए हैं। चार पाँच दिन पहले हमारे ज़िला के अध्यक्ष ने हमें एक आदेश दिया था, एक रिक्वेस्ट करी थी कि मुख्यमंत्री जी पाँच सात लोग गुर्जर समाज के और पाँच सात लोग राजपूत समाज के वहाँ अपने निवास पे उनको बुला रहे हैं और उनसे बात करना चाहेंगे, जिसके फलस्वरूप हम कल वहाँ निवास पे पहुँचे। तकरीबन हम 14-15 आदमी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भैया मैं तो आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप स्वयं दोनों पक्ष बैठे हो, इसको आप कहीं ना कहीं हल निकालो। उस मीटिंग में मैंने सीएम साहब को एक बात समझाने की कोशिश करी कि जो गुर्जर प्रतिहार शब्द हमने सम्राट मीर भोज जी के नाम के आगे लिखा है, वो गुर्जर समाज जो गुर्जर बरादरी है उससे रिलेटेड नहीं है। हमने कहा गुर्जर प्रतिहार एक वंशज थे, एक डायनेस्टी थी। ये बात हमने सीएम साहब के और जो राजपूतों का प्रतिमंडल था उन सब के सामने मेरे ख्याल 3-4 बार कही होगी। चलो जी, शाम होते होते उद्देश्य हमारा ये था कि ये जो प्रदेश में आग लग रही है भाई, ये जो सिचुएशन है किसी तरह इसको डिफ्यूज़ किया जाए, इस आग को किसी तरह बुझाया जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो मैंने वहाँ अपना स्टेटमेंट पढ़ा था, बाकी तो उसमें सब ठीक था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं इस बात का एक वो देना चाहूँगा। गलती मान लो कि जहाँ मैंने ये कहा था ना कि जो गुर्जर प्रतिहार शब्द है उसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, वहाँ मेरी गलती है। देखो, अब मैं केवल एक उद्देश्य के साथ वहाँ गया था और ये जो मेरे साथी हैं वो भी एक ही उद्देश्य के साथ गए थे कि जो राजपूत समाज है उसके और हमारे संबंध मेरे ख्याल पीढ़ियों के होंगे। हमारी जड़ें भी एक हैं, हमारे जो बाप दादा थे सभी के वो ये संबंध हमें एक विल के तौर पे गए दे के गए थे। तो ये संबंध बरकरार रहें यही हमारा एक उद्देश्य था। उस स्टेटमेंट में हमने ये कहा था कि कैथल आने के बाद हम सारे समाज को एकत्रित करेंगे और सारे समाज को एकत्रित करके सारे समाज की राय लेंगे, लेकिन कैथल पहुंचने से पहले पहले
हमें चोर घोषित कर दिया, हमें ठग घोषित कर दिया, हमें गद्दार घोषित कर दिया। तो भाई हमने तो एक बात कर ली, हमें तो समाज ने बॉयकॉट जो कर दिया उसका समाज की बड़ी मेहरबानी। हम तो वैसे भी 60-65 साल के हो गए, हम तो रिटायर्ड आदमी हैं। जो युवा साथी हैं इस समाज की बागडोर संभालना चाहते हैं, संभालो। लेकिन मेरी प्रार्थना है दोनों समाजों से, ख़ास तौर पे उस उन लोगों से जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाले दोनों समाज में हैं। भाई कदलक चुप बैठे रहोगे, न्यू क्यों नहीं टिके अंदे आके, बाहर अपने घर आते आके लोगों ने क्यों नहीं टिके अंदे थम? टिकाओ, आग लगी हुई बुझनी बड़ी मुश्किल हो है, और इसको बुझाना सब जिम्मेवार लोगों का काम है। हम तो बढ़ जाएंगे, अब हम तो, और भाई जोन सा टिकट लेंदा हो, हमने तो टिकट का कोई चौ नहीं, माने कोई टिकट का चौ नहीं। और मुख्यमंत्री की पीठ सुने, उसने कोई गलत बात नहीं कही कल, उसने बोला भाई थम जिस तरह कर दे हो कर लो। मेरी तो बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है था न भाई, इसने आग ने बढ़न ना दियो, इसने बदन ना दियो। मुख्यमंत्री की पीठ सुने और ना भाई उठे न्यू लान दे हो, भाई हम तो मुख्यमंत्री के दबाव में कुछ कराया है ना। मैं तो 3.5 साल में गया था मुख्यमंत्री के दरबार में भी, और ना मेरी मुख्यमंत्री के लिए कभी बात होंगी। मैं तो अशोक ने भी उठा कहूँ था उसकी कोठी में, भाई मैं तो पार्टी तक भी नाराज चल रहे हूँ थारी तय के मारी तय। और मारा कोई ऐसा लंबा चौड़ा वो नहीं है, मारा केवल एक है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में ये दुश्मनी छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। और भाई इसमें जो बुरी लाग दियो किसी ने वह लाग दियो, मारा तो मन जो है, मारा तो जो मारा हृदय है वो तो पाक साफ है। हमने तो कभी सारी उम्र होगी कराया है। और मैं एक बात और रखना चाहूँगा कि कल जो हमने स्टेटमेंट वहाँ पढ़ा था मुख्यमंत्री के आवास पे, उसमें हमने यही कहा था कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए और हम 2 दिन में समाज को इकट्ठा करके और समाज की राय जान के फिर मुख्यमंत्री मुद्दे आपके पास पेश हो जाएंगे। वो तो थे भी नहीं जब हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा मुख्यमंत्री, तो लेकिन उससे पहले हम यहाँ पहुँचते वो दो दिन का जो समय था वो तो किसी ने नहीं पढ़ा, और उससे पहले ही हमें कटघरे में खड़ा कर दिया, दोषी करार दे दिया। तो भाई हम तो सभी साथियों को, बरादरी के शुभ चिंतकों को ये कहते हैं कि आप इस काम को संभालो। हम लोग तो रिटायर हो गए हैं, हम तो सब 60 साल से ऊपर चले गए हैं, इसको संभालो। और जो कोर्ट की कार्रवाई है, जो कोर्ट की पैरवी आप लोगों ने करनी है, उसकी तरफ ध्यान दो। मैं ओम प्रकाश राठी, प्रधान गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र, इस राजपूत गुर्जर आपसीय जातीय दुखदाई जो आज का समय में हालात कुछ दोनों समाजों की तरफ से गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उनका सहयोग प्रबुद्ध दोनों समाजों के लोग भी जैसे नजर आ रहा है कर रहे हैं। मेरी विशेष करके तो मेरे गुर्जर समाज से, युवाओं से, संगठन के पदाधिकारियों से, प्रबुद्ध लोगों से अपील है, इसके साथ साथ राजपूत भाइयों से भी अपील है कि ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के साथ ना करें,
अब ये कल मुख्यमंत्री महोदय के निवास पर जो राजपूत समाज की और गुर्जर समाज की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें राव सुरेंद्र सिंह जी ने राम राम बहुत ही भाईचारा बनाने के लिए बड़े तरीके से और अपने समाज से सलाह मशवरा करने के लिए 2-3 दिन का लास्ट में समय मांगा था, उस चीज़ को निपटाने के लिए कि किसी प्रकार का विवाद ना रहे, जो समाज कहेगा वही मुख्यमंत्री महोदय के पास आकर के बता दिया जाएगा, उसके बाद अगली कार्रवाई फिर जैसे भी आगा समाज कहेगा उसी हिसाब से सोचा जाएगा। और जब आज ऐसी स्थिति आई है इस समाज में, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर, राव नरसिंह दास सिर्फ पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थे, राष्ट्रीय स्तर के हमारे समाज के बहुत बड़े सामाजिक राजनीतिक नेता थे, जिनके घर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी कोई भी आए सभी आते थे। मैं समाज से और बच्चों से ये दोबारा फिर अपील करता हूँ, यदि इन जैसे सामाजिक आदमी जब भी समाज पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है ये समाज में आगे आते हैं और सहयोग करके गलत को गलत और ठीक को ठीक कहते हैं, जब इन जैसे आदमियों के पास इनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आगे से समझदार आदमी समाज का शुभचिंतक आदमी आप लोगों के बीच में आने से कतराने लगेगा। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा इस बात का दोबारा से फिर से अपील और निवेदन करता हूं कि कोई भी किसी के भी मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें, पहले सच्चाई जानें उसका पता करें फिर आगे की बात करें। जय गुजर समाज।